पिपरवार पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादियों को बड़ा झटका दिया है। चार नक्सली समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से दो अमेरिकन मेड पिस्टल, दो मैगजीन 7.65 mm का 100 चक्र जिंदा गोली, रंगदारी व लेवी मांगने में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों के दो मोबाइल फोन और नक्सली पर्चा सहित अन्य सामान जब्त किया है। गिरफ्तार सभी उग्रवादी समर्थक टंडवा और पिपरवार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस संबंध में चतरा SP विकास पांडे ने बताया कि कोयलांचल समेत आसपास के जिलों में गिरफ्तार नक्सलियों के द्वारा कोल व्यवसायी, ठेकेदार और विकास योजनाओं से जुड़े लोगों को डरा धमका कर लेवी और रंगदारी की वसूली करते थे, जिनकी पुलिस की लंबे समय की से तलाश थी। गिरफ्तार नक्सली मसी टिग्गा, विभा उराव, विकास उराव और किरण नागरवाल की गिरफ्तारी हुई है। SP ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के द्वारा ही पिपरवार थाना क्षेत्र के सिंगबिलारी गांव में जैम्बा ट्रांसपोर्ट कंपनी में हाईवा में आग लगाया गया था। वहीं चामडी स्थित इंटरप्राइजेज कंपनी के हाईवा में भी आग लगाकर दहशत फैलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, चतरा जिला में हाल के दिनों में बहुत सारे जो हैं व्यापारियों से और व्यवसायियों से रंगदारी की शिकायत मिल रही थी कि उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है, चाहे वो कोई पुल का काम करने वाले हों या स्कूल बनाने वाले हों या हॉस्पिटल बनाने वाले हों या कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए जो व्यापारी। बहुत दिनों से ये शिकायतें आ रही थी और चल रही थी। इसी के आलोक में अभी कुछ दिन पहले पिपरवार थाना क्षेत्र में ही एक स्कूल और एक हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा था, उसमें कुछ एक रात में फायरिंग की एक घटना हुई थी। उस आलोक में हमारे द्वारा एक पिपरवार ये टंडवा SDPO के निर्देश ये में सॉरी एक मिनट टंडवा SDPO के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था और सारे कांड जो हैं लगभग उनके अनुसंधान और छापामारी के लिए उनको ये दायित्व सौंपा गया था। उसी के आलोक में SIT के द्वारा काम करते हुए जिसमें चार लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जो TSPC के आप सदस्य कह सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं या उनके द्वारा बताए हुए कामों को ये अंजाम देते थे, इसमें चार लड़कों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें मसी टिग्गा, विफा उराव, विकास उराव और किरण नगरवाल हैं। ये पिपरवार और टंडवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें दो पिस्टल, दो मैगजीन और 7.65 mm का 100 चक्र गोली, मतलब 100 गोली बरामद हुआ है। दो मोबाइल मिले हैं, TSPC का उग्रवादी संगठन का एक पर्चा भी हमें बरामद हुआ है। इन्होंने अपनी घटना जहां जहां की है उसको इन्होंने अपना स्वीकार भी किया है। पूर्व में पिपरवार में जो कांड हुए थे उसमें भी इनकी संलिप्तता रही थी और इनसे पूछताछ के क्रम में ये भी बातें सामने आई है कि खलारी, मैकलुस्कीगंज, बुड़मो, रातू रोड और उधर के भी जो खनन व्यवसायी हैं या जो रहे हैं व्यापार करने वाले, उनसे भी इनके द्वारा लगता है रंगदारी की मांग की गई है या मांगी गई होगी। उस पर हम लोग आगे अभी अनुसंधान कर रहे हैं, जैसा जो जांच में आएगा वो फिर सामने लाया जाएगा। यही है ये संपर्क में तो वैसा नहीं थे, लेकिन उनके सपोर्टर्स थे जो उनके नाम पे या उनके किसी के कहने पे, उस पर भी हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट किनके संपर्क में रहे थे, वो हम लोग आगे कर रहे हैं। फिर जो बातें आएंगी तो आप लोग को फिर बताई जाएगी। ये अगर देखा जाए तो अच्छी कार्रवाई है, चूंकि ये चार लड़के जो पकड़े गए हैं ये चतरा के साथ साथ अगल बगल जो हमारे थाना क्षेत्र है संबंधित जिला के, वहां पे भी लगता है इनके द्वारा ये किया जा रहा था, तो हमको लगता है कि ये तो एक अच्छी कार्रवाई हुई है चतरा पुलिस के द्वारा और टंडवा SDPO और उनकी टीम के द्वारा भी एक अच्छी कार्रवाई की गई है। देखिए, पहला अपील तो हम लोगों को ये इन नक्सली संगठनों से ही है, ये रहेगा कि आपका जो हिंसावादी विचारधारा है उसको आप त्याग दें, छोड़ दें। सरकार की आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति भी काफी अच्छी आई है, 24 घंटे के अंदर आपको ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा,
और सारी सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा या हम लोगों के द्वारा जो सुविधाएं है वो आपको प्रदान की जाएगी। ये विचारधारा को छोड़ के मुख्य धारा में लौटने का प्रयास करें और व्यवसायियों और जो भी हैं इस टाइप के ठेकेदार वगैरह है जो काम करने वाले हैं उनसे एक अपील रहेगा कि ऐसा कुछ अगर आपके साथ होता है या आपको फोन कॉल्स वगैरह अगर जाता है तो आप सबसे पहले पुलिस को सूचित करें और निर्भीक होकर काम करें। चतरा पुलिस या झारखंड पुलिस जो है इन लोगों के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी।